नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई ने पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें अलग अलग देश अलग अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं। कुछ देश खुलकर इसराइल के साथ हैं, कुछ देश हमास पर कार्रवाई के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल के खिलाफ हो गए हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों ही पक्षों से करीबी रखते हैं और इस मामले को सुलझाने के हिमायती हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल हमास युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल सकता है, वर्ल्ड वॉर 3। इस मुद्दे पर हम थोड़ा विचार भी करेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि युद्ध के ताजा हालात क्या हैं और ये किस ओर जा रहे हैं। युद्ध के 11वें दिन इसराइल की सेना ने अपनी उत्तरी सीमा पर लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए। इसराइली सेना की बमबारी में हिजबुल्ला के फौजी ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा में अपनी सैनिक कार्रवाई नहीं रोकी तो वो जंग का नया मोर्चा खोल देगा। हिजबुल्ला ने कल ही लेबनान के अंदर अपने ठिकानों से इसराइल पर रॉकेट दागे थे। इनके जवाब में इसराइल की आज की कार्रवाई में वहां की सेना ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला की कई इमारतों और सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल अपने टैंकों और तोपखानों से बम दाग रहा है। इस कार्रवाई में दोनों ही ओर कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन है और ईरान के विदेश मंत्री पिछले दिनों ये कह चुके हैं कि हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ युद्ध में उतरने को मजबूर हो सकता है। उधर गाजा में हालात लगातार खराब बने हुए। युद्ध में अब तक दोनों ओर 4200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 15,000 लोग घायल हो चुके हैं। कई घायलों की हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। इसराइल के हमलों में अब तक 2800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और करीब 11,000 घायल हुए। गाजा के 35 अस्पतालों में से 3500 से ज्यादा लोग भर्ती। आप सोचिए, 35 हॉस्पिटल्स 3500 पेशेंट्स, सोचिए एक अस्पताल में कितने मरीज हैं। अस्पतालों में पहले तो जगह नहीं है और ऊपर से उनमें दवाओं और अन्य जरूरी उपकरणों की भी भारी कमी हो गई। बिजली की कमी ने अस्पतालों में काम जो हो रहा है उसको और मुश्किल बना दिया। उधर इसराइल की उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी के बाद करीब 6 लाख फिलिस्तीनी लोग अपने घर बार छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर चले गए। अब भी 1 लाख फिलिस्तीनियों को और वहां पर जाना है, लेकिन कई लोग घर छोड़कर चले जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, ये एक संकट बना हुआ है उनके ऊपर। कई लोगों को अपनी पूरी जिंदगी ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। गाजा में युद्ध का सबसे बुरा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहा है, जो हमेशा हर जंग में पड़ता है। यूनिसेफ पहले ही इस सिलसिले में चेतावनी दे चुका है। उधर संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA के मुताबिक गाजा में करीब 50,000 महिलाएं गर्भवती हैं और युद्ध उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। इन 50,000 महिलाओं में से 10% अगले महीने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि उनकी सुरक्षित डिलीवरी होनी बहुत मुश्किल है। मानवाधिकार संगठन स्थिति पर चिंता जता रहे हैं और इसे वॉर क्राइम बता रहे हैं, लेकिन इसराइल हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने आज यह कहा कि हमास के पास अब सिर्फ 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शंस। या तो हमास के लड़ाके जहां हैं वहीं मारे जाएं, या वो समर्पण कर दें यानी कि सरेंडर कर दें। इस बीच इसराइल ने हमास के एक और कमांडर आयमन नोफाल उसको मार गिरा है। नोफाल अल कसाम ब्रिगेड की जनरल मिलिट्री काउंसिल का सदस्य था और हमास का सेंट्रल गाजा का मिलिट्री कमांडर था। हमास ने उसके मारे जाने की पुष्टि कर दी। इसराइल का कहना है कि गाजा में करीब 200 इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक हमास इनके बदले 6,000 फिलिस्तीनियों को इसराइल की जेलों से रिहा करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए इसराइल तैयार नहीं। इस बीच उन इजरायली परिवारों का दर्द दुनिया भर के सामने आ रहा है, जिनके परिवार के लोगों, बच्चों, महिलाओं, इन सबको हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा में ले गए।
ऐसी ही एक महिला ने दुनिया के नेताओं से अपनी बेटी को छुड़ाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया से मांगती हूं कि मेरी बेटी मुझे लौटा दे। दरअसल हमास ने सोमवार रात को एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह दिखा था कि इस महिला की बेटी जिंदा है और हमास के कब्जे में। अपनी बेटी को वीडियो में देखकर इस महिला की जान में जान आई। वो चिल्ला उठी, बार बार वीडियो देखा कि बच्ची सही सलामत है या नहीं। हमास की कैद में बंधक इस लड़की ने कहा कि उसकी देखभाल की जा रही। इस लड़की का वीडियो सामने आने से अब यह संभावना जताई जा रही है कि हमास के कब्जे में 200 इजरायली अभी ठीक होंगे। इस महिला ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के नेताओं से कहा कि वो उसकी बच्ची और बाकी बंधकों को बचाने के लिए आ गया है। इस युद्ध में हमास के हमले में 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं और करीब 4000 घायल हैं। अब आइए वापस आते हैं वर्ल्ड वॉर 3 वाली बात, जिसके बारे में हमने कहा था हम बात करेंगे। क्या उसकी आहट हो रही है? हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया के तूफानी दौरे पर। वो लगातार इस इलाके के सभी देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस युद्ध को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश। अमेरिका हमास की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर इसराइल के साथ, लेकिन साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह भी कहना है कि अगर इसराइल गाजा पर कब्जे की कोशिश करता है तो यह उसकी बड़ी गलती हो। इस बीच एंटनी ब्लिंकन ने एक कूटनीतिक कामयाबी तक यह हासिल कर ली है कि जब उन्होंने मिस्र को यानी कि इजिप्ट को इस बात के लिए मना लिया कि वो गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए अपनी सीमा खोल दे, अब तक बंद थी। गाजा की एक सीमा मिस्र की साइनाई प्रायद्वीप इस जगह से मिलती है और यहां रफा क्रॉसिंग को मिस्र ने बंद किया हुआ है, लेकिन इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के उनके साथ मुलाकात के बाद इस रास्ते से विदेशी नागरिकों को गाजा से बाहर निकालने का एक रास्ता मिल गया। वैसे मंगलवार को रफा क्रॉसिंग पर भी 2 हवाई हमले हुए। यहां मिस्र की ओर राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और गाजा में जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब रफा क्रॉसिंग खुलने की उम्मीद कुछ हद तक बढ़ गई। We have put in place, and Egypt has put in place, a lot of material support for people in Gaza. And Rafah will be open. We're putting in place with the United Nations, with Egypt, with Israel, with others, the mechanism by which to get the assistance in and to get it to the people who need it. Antony Blinken ki in koshishon ko America ke purv videsh mantri Henry Kissinger jo hain, unhone san 74 ki us शटल डिप्लोमेसी से जोड़कर देखा गया है। 1973 के इसराइल से मिस्र के युद्ध के बाद इस पूरे इलाके में हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। हेनरी किसिंजर जो हैं, वो उनकी कोशिशें जो चल रही थी वो 1978 यानी कि सन 78 में इसराइल और मिस्र के बीच हुए ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौते के तौर पर सामने आई थी। आपको याद होगा हमने इसके बारे में कुछ दिन पहले आपको बताया था, जब यह जंग शुरू हुई थी, जब हम इतिहास में गए। इस समझौते पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादत और इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनकेम बेगिन, इनसे दस्तखत हुए थे। इससे मिस्र और इसराइल के बीच मार्च 1979 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की बुनियाद तैयार की गई थी। इस समझौते के बाद 1982 यानी कि सन 82 में इसराइल साइनाई प्रायद्वीप का कब्जा मिस्र को सौंप दिया गया था,
और इजिप्ट ने इसराइल को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। अनवर सादत और बिगिन सन 78 में यानी कि 1978 में इस शांति समझौते के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एंटनी ब्लिंकन ऐसा कुछ हासिल कर पाएंगे? अमेरिका ये भूमिका पहले निभा चुका है, फिर करेंगे? इसराइल ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। इसराइल हमास को पूरा सबक सिखाने की ठान चुका है, लेकिन समस्या भी है, और समस्या यह है कि इस कोशिश में गाजा में जो हो रहा है वो एक बड़ा मानवीय संकट बनता चला गया, जहां लाखों लोग इस लड़ाई का शिकार बन रहे हैं। हालात के मद्देनजर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इसराइल के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। इससे पहले वो बयान भी दे चुके हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये ठीक नहीं होगा, हम चाहते हैं, हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन आपको उधर क्या हो रहा है मानवीय पहलू भी देखना होगा। इसके बाद बाइडेन जॉर्डन भी जाएंगे। अपने दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि हमास के बर्बर आतंकी हमले के बावजूद इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को मैं इसराइल का दौरा करूंगा। इसके बाद मैं गंभीर मानवीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए, यानी कि यहां उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, गंभीर मानवीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा, नेताओं से मिलूंगा और यह स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। फिलिस्तीनियों को आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बाइडेन हमास से अलग कर रहे हैं, कि पैलेस्टीनियंस अलग, हमास अलग। बाइडेन के इस दौरे का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस लड़ाई के नए मोर्चे खुलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और यहां आती है हमारी बात, ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली की ऐसी गुंजाइश है। बाइडेन को कई अरब देशों को इस युद्ध से दूर रहने के लिए मनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, कि ऐसा ना सब लोग कूद पड़े इसमें कि तुम उसके पक्ष में आए तो हम यहां आ जाएंगे, तो ये आएगा तो वो चला आएगा, तो वो ऐसे ही तो होता है वर्ल्ड वॉर, सब एक दूसरे को बचाने के लिए आ जाते हैं, ये इस पर अटैक कर देता है, वो उस पर अटैक कर देता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने शर्त लगाई है कि रफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने के साथ ही गाजा के निवासियों के लिए राहत सामग्री अंदर भेजने की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया है कि वो गाजा पट्टी में आम लोगों और बुनियादी ढांचे पर इसराइल की कार्रवाई की पूरी तरीके से खिलाफ। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, बहुत लंबा नाम है, उनका कहना है कि कतर में हमास का दफ्तर बंद नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग देश इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कतर ने अपने देश में ईरान के फंड को फ्रीज करने से भी इनकार कर दिया है और यह कहा है कि इस बारे में जो भी समझौता है उस पर वो अमल करता रहे। कतर का पैसा युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। उधर ईरान लगातार इसराइल हमास युद्ध को लेकर अपने तेवर दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि इसराइल गाजा पर हमले रोके वरना उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे। ईरान इसराइल को युद्ध अपराधी बता करके, यानी कि वॉर क्रिमिनल बता करके, और उसका यह कहना है कि इसराइल बच्चों और महिलाओं को मार रहा है, इस वजह से वो वॉर क्राइम कर रहा है। ईरान इस पर यह भी कहता है कि महिलाओं को मार करके, बच्चों को मार करके आप क्या बहादुरी दिखा रहे हैं, इससे पहले कि देर हो जाए इसराइल अपनी हरकतों पर काबू कर ले। ईरान हिजबुल्ला को समर्थन देता है जो लेबनान से इसराइल पर हमले कर रहा है और खुलकर युद्ध में उतर आने की धमकी दे रहा है। आप देख रहे हैं कितने सारे देश एक दूसरे से, मतलब वो काउंटर बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल, उसके साथ यूएस, यूएस कह रहा है मानवीय पहलू पर ध्यान दो, इसराइल कह रहा है नहीं मैं अटैक करूंगा। यहां पर ईरान जो है वो कह रहा है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, उनका कुछ समर्थन हिजबुल्ला को है, हिजबुल्ला जो है वो अटैक कर सकता है, यहाँ हिजबुल्ला के टारगेट अटैक हो रहे हैं, वहाँ और देश जो हैं वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं हम अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे। तो हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस पूरे विवाद में जुड़ा हुआ। इस बीच ईरान युद्ध में ना उतरे इसके लिए, उसे रोकने के लिए अमेरिका
चीन से भी संपर्क कर चुका है। सोचिए, जो अमेरिका चीन के खिलाफ दिखा G20 जैसे फोरम्स पर या अलग अलग जगहों पर, आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो क्वाड समिट भी करता है, दुनिया जहां की चीजें करता है कि चीन को रोकना है, एक काउंटर बैलेंस बनाना है। अब इस मामले में वो चीन का समर्थन मांग रहा है। वो संपर्क कर चुके हैं जिससे ईरान से अच्छे संबंध जिस जो चीन के हैं वो समझा सकें कि भाई समझाइए इनको, गड़बड़ ना करें। जर्मनी भी हमास पर कार्रवाई के मामले में इसराइल के साथ है, लेकिन वो भी ये नहीं चाहता है कि लड़ाई फैले। इस सिलसिले में अपना समर्थन देने और बातचीत के लिए जर्मन चांसलर ओलेफ शुल्स आज इसराइल पहुंच गए और उसके बाद मिस्र जाएंगे। इस बीच इसराइल और हमास के बीच लड़ाई क्या विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, इसे लेकर अलग अलग जानकारों की अलग अलग राय बनी हुई। अमेरिका के एक अरबपति रे डेलियो, उनका यह कहना है कि इसराइल हमास युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की संभावना 50% है, 50% यानी कि बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। उनके मुताबिक 2 साल पहले यह संभावना 35% थी। अब आप सोच रहे हैं, यानी कि 15% इसमें इजाफा हुआ। अगर यह विश्व युद्ध में तब्दील होती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसको अटैक किया, उसने इसको अटैक किया, जिसने अटैक किया उसके समर्थन में कोई और आकर के अटैक कर गया, फिर उसके देश पे अटैक हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके विश्व युद्ध फैल गया। अगर ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील होती है तो कई और जगहों पर इस तरह की झड़पें भी पैदा होंगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कई जानकार ऐसा कहते हैं कि यही सारी चीजें जो हैं वो काउंटर बैलेंस का काम भी करती हैं, यानी कि सब एक दूसरे से डरेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो जब सब एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाएंगे तो सभी एक दूसरे से डरेंगे, भय बिन होए न प्रीत। अब आइए जरा स्क्रीन पर आप देखिए, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने 3 सिनारियो बनाए, यानी कि 3 संभावनाएं उन्होंने बनाई। पहला, सीमित युद्ध, इसराइल और फिलिस्तीनी इलाकों तक यह लड़ाई सीमित रहेगी। ये एक सिनारियो, ऑप्शन 1, कि इस तरीके से भी युद्ध हो सकता है। दूसरा, एक ऐसा युद्ध जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, इसराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर लेबनान सीरिया तक फैल सकती है, यह भी हो सकता है, युद्ध की कई संभावनाएं होती हैं। और तीसरा, सीधा युद्ध, इसराइल और ईरान के बीच फौजी झड़प ये शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीनों ऑप्शंस ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो 3 उन्होंने पॉसिबिलिटीज अपनी बताई। जानकारों का साफ मानना है कि यह युद्ध अगर फैला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अभी G20 हुई थी दिल्ली में, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, इससे कितना फाइनेंशियल लॉस पूरी दुनिया भर पे पड़ रहा है, तो उससे निपटने और बचने के लिए तमाम तरीके। ये हो जाएगा और इसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप सोचिए क्या होगा। कितनी आशंकाएं हैं इस युद्ध के फैलने की, इस पर सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ORF के वाइस प्रेसिडेंट स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी हर्ष पंत क्या कहते हैं। हर्ष पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई अरबी देशों में भारत के राजदूत आप ये रह चुके हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है इसको किस तरीके से देखा जाए। जी देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में और अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के क्राइसिस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात का अंदेशा तो ज़रूर देते हैं कि कहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल गवर्नेंस की, ग्लोबल ऑर्डर की, और अगर इसको एक मूलभूत तरीके से सुलझाया नहीं गया तो ये सारे क्राइसिस बड़े बनकर इकट्ठे होकर एक वैश्विक स्तर का क्राइसिस बन सकते हैं और उसमें अलग अलग शक्तियां अलग अलग तरह से इसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर एक समस्या कई क्षेत्रों में बनी हुई है और World War III पता नहीं हो ना हो, लेकिन सर्टेनली ग्लोबल जो एक वॉर है उसका अंदेशा हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है और बड़ी शक्तियां हैं वो इकट्ठे होकर किसी भी समस्या को सुलझाने के बजाय उसको ज्यादा
और ज्यादा उसमें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो वो जो समस्या थी जो हमने पहले वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की विश्व युद्ध जो हुए थे उसमें देखा था, उसी तरह की समस्याएं बनती जा रही हैं और एक के बाद एक कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे क्राइसिस, कई ऐसी वॉर्स दुनिया में चल रही हैं जो मुझे लगता है एक किसी बड़े खतरे का अंदेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षपन जी। अनिल त्रिगुणायत जी भी हैं, पूर्व राजदूत। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इसराइल ज़मीनी कार्रवाई शुरू करेगा? क्या आपको लगता है कि इस युद्ध के इसके बाद और फैलने की एक आशंका है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अमेरिका की अभी कोशिश यह है कि जबकि वो पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन जो उनके दूसरे मित्र हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, वो सब भी ये चाहते हैं कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो इसराइल करना चाहता है गाजा में, या उसको अगर मान लीजिए ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, तो उससे जो है बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। कैसे बिगड़ सकती है कि देखिए, अभी अगर हमास को खत्म करने के लिए वो अटैक करते हैं तो बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जाने की आशंका है, बच्चों की। ऑलरेडी वहां पर बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, पानी रोक दिया गया था, मेडिकल सप्लाई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अभी तक नहीं बना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मान लीजिए कि अगर ये मानते नहीं है इसराइली और उसके अंदर जाकर के अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हिजबुल्ला हो चाहे ईरान हो, उन्होंने थ्रेट किया है उनको। ऑलरेडी लेबनान की तरफ से अटैक, दोनों तरफ से अटैक चल रहा है, सीरिया के ऊपर भी इसराइल ने थोड़ा अटैक किया है। तो इस तरह अगर ये बढ़ा तो नेचुरली है कि बड़ा शंका ये है कि रीजनल वॉर होने के चांसेस हैं, और जो सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये खाली इसराइल और पैलेस्टाइन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे रीजन के लिए और पूरे दुनिया के लिए। लेकिन ये विश्व युद्ध बनने की बात अभी इस वक्त मैं नहीं देखता हूं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन हालात के बीच इसराइल की सेना गाजा पट्टी पर जमीनी रास्ते से हमले के लिए तैयार है। उसके टैंक, तोप और 3 लाख से ज्यादा सैनिक मोर्चे डटे हुए। लेकिन अभी तक इसराइल की सरकार का जमीनी कार्रवाई शुरू न करना यह भी एक सवाल खड़ा करता है। आदेश ही नहीं आए तो टैंक वैंक लेके पहुंच तो गए बॉर्डर पर, आगे क्या? ऐसे लग रहा था कि जैसे पिछले हफ्ते ही चढ़ाई हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। इसराइल उत्तरी गाजा में हमास की उन सुरंगों को भी तबाह करना चाहता है जिन पर हमास का अस्तित्व काफी हद तक टिका हुआ है। अगर इसराइल जमीनी रास्ते से घुसा तो उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट। गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई का सीधा मतलब है घर घर जाकर तलाशी लेना और तंग गलियों और सड़कों पर लड़ना, यह बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि अब तक इसराइल की जमीनी फोर्स गाजा पट्टी में दाखिल नहीं हो पाई है। ये जो लड़ाई है इसमें, क्योंकि इसराइल का जो मकसद है वो हमास को जड़ से उखाड़ना है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई हर घर से दूसरे घर तक लड़ी जाएगी। आप सोच सकते हैं कि एक जहाँ पे बहुत सारी आबादी हो, ऐसे घरों में हर छत, हर दरवाज़ा, हर खिड़की एक तरह का बंकर बन सकता है जिसके पीछे लड़ाकू छुप के फायरिंग कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में खास करके स्नाइपर हथियार जो है वो बड़े विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हमास के बुनियादी ढांचे को तहस नहस करने में लगे हैं। लेकिन काम इतना आसान नहीं है। हमास ने गाजा पट्टी में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। सुरंगें कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म, इसका अंदाजा हमास को छोड़कर किसी को नहीं है। हमास ने विस्फोटकों का जाल बिछा रखा है। हमास के पास रॉकेटों और मिसाइलों का जखीरा भी है। खबर है कि इन्हीं सुरंगों में हमास ने करीब 200 लोगों को बंधक बना रखा है। ऐसे में अगर इसराइल जमीनी हमला करता है
तो उसे खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि हमास के पास में इसराइल के 200 से ज्यादा बंधक भी हैं, जिसका भी इस्तेमाल हमास इसराइल के अगेंस्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, जैसे ही जैसे इसराइल के फोर्सेस को नुकसान पहुंचेगा, कैजुअल्टीज होंगी, वैसे ही वैसे उसकी लड़ने की क्षमता पर भी ऋणात्मक असर पड़ सकता है। 2014 में गाजा पट्टी पर जमीनी हमले में इसराइल को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी इसराइल को इस बात का एहसास है। उधर हमास को हिजबुल्ला का साथ मिला है, जो लेबनान से इसराइल की परेशानी बढ़ा रहा है। गाजा पट्टी पर हमलों में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इसराइल को दुनिया के एक बड़े तबके की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरहद पर उसके सामने हमास और हिजबुल्ला है, तो सरहद के उस पार कई ऐसे देश हैं जो लगातार उस पर हमले न करने का दबाव बना रहे हैं। यानी इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है, ऐसे में उसे जीत आसानी से मिलती हुई नहीं दिख रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब आइए कुछ इलेक्शन की बात कर लें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम तेज हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार जुबानी तौर पर कपड़ा फाड़ स्तर पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के चुनाव में कपड़ा फाड़ नया शब्द है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए हंसी ठिठोली के बीच इस मुद्दे पर शब्द बाण चलाए। ये तंज दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के एक वायरल वीडियो पर हो रहा है, जिसमें कमलनाथ एक नेता के समर्थकों से कहते दिख रहे हैं कि जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ दो। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन लिस्ट को लेकर कई जगह बवाल हुआ। शिवपुरी से पिछोर से 6 दफे विधायक केपी सिंह को टिकट मिल गया। इस सीट की दावेदारी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कर रहे थे। जब उनके समर्थक कमलनाथ से मिलने पहुंचे तो सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। शिवपुरी की बात जी, जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूंगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूं जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। केपी सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने पार्टी में शामिल करवाया था। मंगलवार को कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब दिग्विजय ने पहले फॉर्म में दस्तखत की बात उठाई तो कमलनाथ ने मजाक में कहा उन्होंने दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब उनकी खीज है या उनका इरिटेशन है या हार सुनिश्चित हो गई है, तो अब एक दूसरे पर लगा रहे हैं। भैया मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो बंटा ढार दिग्विजय सिंह को सौंप दिया था। तो ये कांग्रेस की स्पष्ट हार आज ही उन्होंने स्वीकार कर ली है। कमलनाथ के एक और बयान पर बीजेपी हमलावर है, जब वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा में टिकट का ऐलान पहले नकुलनाथ करेंगे, बाद में दिल्ली से ऐलान होगा। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और दो टिकट उन्हें घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर तंज करती है कि उसमें कई गुट हैं, शिवराज बीजेपी,
नाराज बीजेपी और महाराज बीजेपी, लेकिन शिवपुरी के मुद्दे पर इस बार दांव उल्टा पड़ा है। वैसे अगर आयातित नेताओं को टिकट नहीं मिला तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, न खुदा मिला न विसाले सनम। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज ऐतिहासिक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का अधिकार मौलिक नहीं, ऐसा बताया कि वो मौलिक अधिकार नहीं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत से दिया। इसी केस में एक और अहम फैसला ये हुआ कि समलैंगिक जोड़ी को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं। लेकिन इस वाले मुद्दे पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3-2 से बट गई। लैंगिक भेदभाव से मुक्ति का आंदोलन चला रहे जन संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मायूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय से कहा कि अदालत समान लैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती, ये काम सरकार और संसद का है। अदालत ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता, ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं। समलैंगिक अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बने। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं, पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा, कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा समलैंगिक लोगों के प्रति हमदर्दी से भरी दिखी। अदालत ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना बाधा के साथ रहने का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों के बारे में जनता को जागरूक करें, समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं, उन्हें कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक कल्याण उपाय, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें, उनके उत्तराधिकार पर विचार करें, संयुक्त बैंक खाते खोलें, बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त करें। लेकिन फिर एक अहम मसले पर अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को निराश किया। 3-2 के फैसले से उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं होपफुली लाइक यू नो कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर थे कि ऐसा नहीं है, तो लाइक यू नो डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो के रिकमेंडेशन आए वो होगा, बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है, लाइक 2009 से अगर आप बात करें, जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मतलब मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को, तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बहुत कुछ है, इनफैक्ट यू नो, बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट यू नो, एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो यू नो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा, बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, सो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, बट द थिंग इज़ ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस संजय किशन कौल हालांकि समलैंगिकों को गोद देने के अधिकार के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने यह अधिकार नहीं दिया। अदालत ने माना कि एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन उन्होंने इस बारे में साफ निर्देश जारी करने की जगह इसे सरकार और संसद के विवेक पर छोड़ना उचित समझा। लंबे अरसे से इंसाफ की आस में यहाँ आए लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संवैधानिक दायरे में रहकर फिलहाल इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है और इस थोड़ी राहत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला और कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश की पहली और सबसे आधुनिक रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रैपिडेक्स 21, हाँ ये रेल का नेटवर्क है, ये वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला रैपिडेक्स नहीं, ये अक्टूबर से आम जनता के लिए शुरू हो जाए। इसका ट्रायल रन सफलता से पूरा कर लिया गया है।
पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। मंगलवार को एनडीटीवी ने रैपिडेक्स ट्रेन में सफर किया और इसमें आम यात्रियों के लिए तैयार सुविधाओं का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को इसके पहले फेज का उद्घाटन करें। ये पहली तस्वीरें हैं आरआरटीएस ट्रेन सेवा की, रैपिड रेल ट्रेन सेवा की, जिसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है और इसमें 6 कोचेस लगाए गए हैं। विशेषकर एक कोच महिलाओं के लिए होगा, एक कोच जो है वो प्रीमियम कोच होगा जिसका किराया स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा और ये ट्रेन जो है वो हाईटेक जो सुविधाएं हैं उससे लैस है। देश की पहली हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन रैपिड एक्स लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। एनडीटीवी ने मंगलवार को इस आधुनिक ट्रेन में सफर कर इसकी खूबियां देखी। आप देख सकते हैं ये शताब्दी ट्रेन जैसा अनुभव होगा आपको इसमें। यहाँ पर विशेष स्टैंड यहाँ पर लगाए गए हैं, जिन लोगों को बैठने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी वो खड़ा होकर सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें, इसका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मेट्रो की तर्ज पर ये हैंडल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए भी एक बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। स्क्रीन लगाया गया, एक डिजिटल स्क्रीन है जिसमें यात्रियों को समय समय पर ये जानकारी दी जाएगी कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितनी देर में वो अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँच सकेंगे। इस सफर के दौरान ट्रेन की रफ्तार थोड़ी देर के लिए 146 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पहले चरण में रैपिड एक्स गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन। रैपिड एक्स साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। रैपिड एक्स की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रखी गई है, हर स्टेशन पर ये 30 सेकंड के लिए रुकेगी। ये कोच जो है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिलहाल ये गेट यहाँ पर खुला हुआ है और एंट्री पॉइंट पर भी लिखा है केवल महिलाएं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो ये स्पेशल रैपिड रेल ट्रेन है इसके जो ऑपरेशनल स्टाफ है 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। इस हाई स्पीड ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। एक कोच प्रीमियम कैटेगरी के यात्रियों के लिए होगा जो इंजन के बाद पहला कोच होगा। मैं इस वक्त प्रीमियम कोच में हूँ, ये विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसका जो किराया है, फेयर है, वो स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा और इसमें विशेष सुविधाएं हैं। इसमें ज़्यादा जगह है सीटों के बीच, सीटें भी कंफर्टेबल हैं, ये रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, इसमें आप आराम से बैठकर अगर चाहें तो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इस रेल नेटवर्क में कुल 14 स्टेशन होंगे। आरआरटीएस का साहिबाबाद स्टेशन लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ये दूरी जिसे पूरा करने में अभी 2 घंटे के करीब वक्त लगता है, वो सिर्फ 55 से 60 मिनट का वक्त लगेगा। पूरी ट्रेन सेवा जो है वो मेरठ से दिल्ली तक करीब 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है वो जून 2025 में हो पाएगी। आप देख सकते हैं मेट्रो रेल है जो जिसके ठीक ऊपर से ये रैपिड रेल सेवा चलेगी और ये एक अर्बन ट्रांसपोर्ट को में आधारभूत बदलाव करने के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। आरआरटीएस के स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एंट्री गेट पर एक्सरे मशीन भी लगाई गई है। अब हम अभी इसके अंदर पहली बार अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेट्रो में आपका अनुभव होता है सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर की जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर भी लगा हुआ है जहाँ पर टिकट के ज़रिए आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था 20 अक्टूबर को चालू होगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। अब सबको इंतज़ार 20 अक्टूबर का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलीम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही, नमस्कार।